अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। ये पेज नंबर 44 है। तो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है। बूलियन प्रोपोजिशन जो होती है वो या तो ट्रू या फॉल्स सेंटेंस को हम कहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत से किस्म के सेंटेंस दिखाए हुए हैं जो कि प्रोपोजिशंस हैं, बूलियन प्रोपोजिशंस हैं। देखते हैं क्या होता है। ए प्रोपोजिशन इज़ ए सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। या तो वो प्रोपोजिशन वो सेंटेंस होगा जो तो या तो दुरुस्त होगा या गलत होगा। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंस आर प्रोपोजिशन। ये जो सेंटेंस हैं ये प्रोपोजिशंस हैं। नंबर वन, समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। नंबर टू, आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। नंबर थ्री, आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। फोर है, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। फाइव है, आई प्ले चेस। बट द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट प्रोपोजिशन। जो सेंटेंस हैं ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। नंबर वन है, हाउ आर यू, क्लोज द डोर, इट इज़ हॉट आउटसाइड। वी कैन आल्सो साइन सम लेटर टू प्रोपोजिशन एज शोन फॉलोइंग। हम लेटर साइन करवा सकते हैं प्रोपोजिशन को, जिस तरह के नंबर वन है, पी इज इक्वल टू आई प्ले चेस, क्यू इज इक्वल टू आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। नाउ व्हेन वी से पी, जब हम कहेंगे पी तो हम रेफर करेंगे आई प्ले चेस को, ठीक है। जब हम कहेंगे क्यू इसका मतलब होगा आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक। तो इसमें क्या होगा कि हम पी और क्यू जहाँ भी लिखेंगे उसका मतलब ये होगा, ये दो जो सेंटेंस हैं उनसे हम उनको हम उनका हवाला देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रू और फॉल्स कॉल बूलियन वैल्यू, दुरुस्त या गलत जो होते हैं इसको हम कहते हैं जी बूलियन वैल्यू। द आइडिया वाज गिवन बाय द जॉर्ज बुली। ये आइडिया जो दिया गया था ये जॉर्ज बुली ने दिया था 2 नवंबर 1815 to 8 दिसंबर 1864 इन हिज बुक, ठीक है। इसका बुक का नाम क्या था, द लॉ ऑफ थॉट, ठीक है। इसमें इसने ये आइडिया पेश किया था। इसके मुताबिक ये है कि जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू होंगी उसको हम बुलियन वैल्यू कहेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी, ये जस्ट एक थ्योरी थी, उसको हमने आज रीडिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।